हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पारखी कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले टेबल के सभी ऑप्शंस के बारे में। जी हाँ, टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे टेबल को डिलीट करना, इंसर्ट करना, नई टेबल को कलर देना कैसे कर सकते हो, और भी टेबल इसके अंदर ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हो, एक ही टेबल के अंदर कई सारे कुछ लिखना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, और छोटा कैसे कर सकते हो, बड़ा कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ, मतलब टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो चलिए यार, शुरू करते वीडियो को बिना उगाए और बात करते टेबल की। देखो, सबसे पहले तो आपको इंसर्ट में जाना, तो यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको टेबल को सबसे पहले इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये नॉर्मल, जैसे आपको मतलब बनी बनाई टेबल है, आपको जैसे क्लिक करके मतलब इंसर्ट कर लेना है। और अगर आपको डिलीट करना है तो आपको करना है, सेलेक्ट करना है टेबल को जितनी डिलीट करना है और बैक स्पेस दबा देना है, कीबोर्ड के अंदर डिलीट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल के इंसर्ट करने का सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, बनी बनाई टेबल है, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। और इन्हीं टेबल का अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। टेबल की जिस सेल को या फिर जिस लाइन को छोटा या बड़ा करना है, इस तरीके से आप लोग खींच के बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया जो कि सिंपल है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी इंसर्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इंसर्ट में और मिल जाएगा, जैसे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन, ठीक है, जहाँ से आप लोग टेबल बना सकते हो। इस तरीके से मतलब आपको जैसी टेबल चाहिए आप लोग अपने हाथों से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, माउस की मदद से। जैसी भी आपको टेबल चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। जैसी भी आपको टेबल चाहिए इस तरीके से, ठीक है, फिर इसे दबा दो, हट जाएगा। एंड डिलीट करना है, सेलेक्ट ऑल एंड बैक स्पेस ख़त्म, सेलेक्ट ऑल बैक स्पेस एंड ख़त्म, इस तरीके से। फिर इंसर्ट पर चलते हैं, और भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो बाकी चीज़ें तो ये एक्सेल में जब हम करेंगे तब काम में आएगी, ठीक है, फिलहाल इसे हम हटाते हैं। और बाकी इसके अंदर जो हमारी जो बेसिक चीज़ें टेबल से रिलेटेड हुआ है, ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल, अभी फिलहाल बस हम टेबल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब मैं एक सिंपल एक टेबल यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये टेबल ले ली 10x8 की। अब देखो, अब क्या करना है, जैसे आप कोई भी टेबल लेते हो तो आपके सामने दो टैब आते हैं, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। ऊपर होगा टेबल टूल लिखा होगा, ठीक है, टेबल के टूल से ये दोनों, डिज़ाइन और लेआउट। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में देखो, पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा टेबल स्टाइल ऑप्शन। जी हाँ, टेबल को कैसा आपको स्टाइल देना है, कैसा डिज़ाइन देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली है टेबल को स्पेशल फॉर्मेटिंग देने के लिए, बट इनका यूज़ आप ऐसे नहीं कर पाओगे। इनका यूज़ करने के लिए आपको इन सभी डिज़ाइन में से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, मतलब इन सभी स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल आपको उठा लेना है। जैसे मान लो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब इस वाले स्टाइल को देखोगे तो यहाँ पर देखो, ऊपर का जो ये है ना, ये थोड़ा अलग है। पहली वाली अगर आप ये लाइन देखोगे, ये वाली, ठीक है, मतलब हेडर रो है ना जो हमारा, वो अलग तरीके से है। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल हो जाए बाकी की तरह, तो आपको अनटिक कर देना है, नॉर्मल हो जाएगा सबकी तरह, ठीक है। फिर आप इसे टिक कर दोगे तो ये मतलब थोड़ा स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा फर्स्ट रो के अंदर। अगला है टोटल रो। टोटल रो में देखो, सभी रो के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा बैंडेड रो, बैंडेड रो में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जिसमें जो अलग अलग कलर्स है वो हट जाएंगे। फर्स्ट और लास्ट का देखो यहाँ पर, ठीक है, जो ये था, मतलब आप ये समझ लो, ये जो आपके 6 ऑप्शन है ना, लास्ट कॉलम जैसे हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सभी आपके टेबल को अलग अलग डिज़ाइन देने के लिए। बट आपको पहले बैंडेड कर लेना है, ठीक है, फिर आप जैसे फर्स्ट कॉलम करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको पहले बैंडेड कॉलम कर लेना है, इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है। बैंडेड कॉलम जैसे मैंने कर लिया, और जैसे मैं फर्स्ट को अनटिक करता हूँ, तो यहाँ देखो फर्स्ट जो ये कॉलम है ना, यहाँ पर कलर आ जाएगा और ये कलर इधर चला जाएगा, यहाँ पर देखो इस तरीके से, देखो यहाँ कलर आ गया, यहाँ से चला गया। मतलब अगर आप फर्स्ट कॉलम कर दोगे ना, तो सबकी फर्स्ट कॉलम में एक स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्पेशल जैसे आपने इसे अनटिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया इस तरीके से, और इसे हटा दोगे तो ये अलग ही तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और जैसे आप लास्ट कर देते हो तो लास्ट में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बस आप इतना समझ लो, इनका यूज़ जो है ना, टेबल को एक स्पेशल फॉर्मेटिंग देने के लिए है। यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है कि कहाँ पर आपको स्पेशल फॉर्मेटिंग देनी है, ठीक है। और अगला वाला जो ऑप्शन है वो तो इसी से रिलेटेड ही है, आपको किस तरीके कलर देना, कैसा स्टाइल या डिज़ाइन देना अपनी टेबल को, उसमें ये बेसिकली काम आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ स्पेशल आपको देना है, नहीं देना, हटा दो, देना है, लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ है, और आप लोग आराम से, आप लोगों को एक एक ही ट्राई करना है, आप लोग आराम से इसे कर दोगे, ठीक है। मैं इसे सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। और जो अगला हमारा ऑप्शन है गाइस, वो है हमारा शेडिंग का। शेडिंग से आप लोग समझ आ रहा होगा, देखो शेडिंग क्या है, किसी भी आपको कोई सेल है टेबल की, ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारी सेल है, 10x8 करोगे तो आपके पास काफ़ी सारी सेल मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि सब में आपको 8 और 10 मिल जाती है, तो 8x10 यानी 80,
टोटल 80 सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और आपको मान लो जिस भी सेल को एक अलग कलर देना है आपको, ठीक है, मान लो मुझे इस वाली सेल को एक अलग कलर देना है, तो मैं उसमें कर्सर रखूँगा, शेडिंग में जाऊँगा, ये वाला कलर देना, ये वाला दे दूँगा। अगला है भाई, मैं चाहता हूँ ये वाला कलर आ जाए, तो ये वाला आ जाएगा। मतलब इससे आप लोग अपनी टेबल में कलर दे सकते हो अलग अलग तरीके के। देख लो बहुत सारे कलर हैं, मोर कलर में जाओगे भाई, मतलब इन्फिनिटी कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जितने आपको चाहिए। तो मतलब बहुत से कलर मिल जाएंगे आपको, जो भी कलर चाहिए आप लोग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ओके कर दो, कलर आपको इंसर्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन हमारे इसी में वो है बॉर्डर। बॉर्डर से क्या होगा, बॉर्डर हमने पीछे भी किया था, इससे आपके टेबल में आप मान लो आपका आपको उस एक सेल में बॉर्डर देना है, तो यहाँ से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। हटाना है, नो बॉर्डर करना है, तो देखो एक ही बॉर्डर नहीं है, पहले से बॉर्डर डाला हुआ था तो बॉर्डर तो डालने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर कर दो, यहाँ पर बॉर्डर दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ लो पूरे में करना है तो सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको कर देना है यहाँ पर नो बॉर्डर, तो सबके बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। देख लो भाई, डॉट डॉट हो गया, कोई बॉर्डर नहीं, ये वो सेल मतलब टेबल है यहाँ पर, ठीक है, बट कोई इसमें बॉर्डर नहीं है। अब सेलेक्ट ऑल करके मैं चाहता हूँ सब में बॉर्डर आ जाए, या फिर मैं चाहता हूँ बस बाहर बाहर बॉर्डर आ जाए, तो ये देखो बाहर बाहर बॉर्डर आ गया, और अंदर देखो कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके कर देता हूँ सब में बॉर्डर, ठीक है, ताकि ये नॉर्मल हमारा हो जाए, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर दिया, अब देखो सब में बॉर्डर आ गया इस तरीके से। अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारा ड्रॉ बॉर्डर, ठीक है। इससे आप लोग बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा और मैं जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको यहाँ बहुत सारी थिकनेस, अलग अलग डिज़ाइन, ये सब मिल जाते हैं, ठीक है। थिकनेस आगे यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएगा लाइन का, कैसा आपको लेना है, आपको ऐसा लाइन लेना है तो इसी लाइन के ऊपर आपको चला देना। मान लो आपको इस लाइन को चेंज करनी है, तो ये देखो आपको इस पेंसिल को चला देना उस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे आपको अलग चेंजेस करने हैं। इसी लाइन का अगर मोटा या पतला करना है, ठीक है, कितना मोटा करना है, 6 PT तक है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से मोटा या पतला कर सकते हो। अगला इसमें है कलर का ऑप्शन, ठीक है, कौन से कलर से आप लोग ये लाइन देना चाहते हो, तो जिस भी कलर देना चाहो इस तरीके से कर दो, वो कलर आ जाएगा, ठीक है। साइज पे पतला करना है, यहाँ पे जाके कर लो, ठीक है। और अलग तरीके की लाइन चाहिए, मान लो ये चाहिए तो इस पर क्लिक करो और फिर उसी लाइन के ऊपर एक बार बस चला दो, तो इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसी में देखो एक ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, ड्रॉ टेबल से आप लोग टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, जैसी टेबल आपको ड्रॉ करनी है, देखो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसी टेबल आपको ड्रॉ करनी है आप लोग इस तरीके से आराम से कर सकते हो, ठीक है। आराम से जैसी टेबल चाहिए, जितने की चाहिए, जितने रॉ चाहिए, जितने कॉलम चाहिए, वो सब आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इसी टेबल को मान लो आपको इरेज करना है, तो इरेज पर क्लिक करो, इस तरीके से सेलेक्ट करो, इरेज हो जाएगा, ठीक है। पूरा इरेज करना है, इस तरीके से करो, इरेज हो जाएगा, इस तरीके से करो, इरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इरेज टूल की मदद से इरेज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ें, जैसे हमारा इसमें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ होगा और अगर देखो मैंने यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ बता दिया, अगर कुछ रहता है तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। गाइस बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा लेआउट। लेआउट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और हम यहाँ पर आपको एक एक समझाएंगे कैसे कैसे आपको यूज़ करना है। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या है, आपको एक सेल सेलेक्ट करनी है, तो इस तरीके से मतलब यहीं से हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम, तो जहाँ पर भी कर्सर है उसका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कर्सर यहाँ पर है, मुझे ये पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है, क्या होगा भाई, रॉ पे जाऊँगा, पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी। सबको सेलेक्ट करना है, पूरी टेबल को सेलेक्ट टेबल करोगे, जिस भी टेबल के अंदर कर्सर है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने एक और टेबल इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक और टेबल बना दिया इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक और टेबल बना दिया, ठीक है। मान लो कुछ भी मैंने यहाँ पर बना दिया, एंड देन देखो इसे हटाते हम और चलते हम यहाँ पर लेआउट के अंदर। अब देखो मेरा यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट टेबल करूँगा, ये पूरी मतलब इस एक टेबल के अंदर जितना वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ पर देखो ये पूरी जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसके जितने के अंडर में ये आ रहा होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा एक अलग ही बन जाता है, ठीक है, ये एक अलग टेबल है हमारी यहाँ पर, देखो, ठीक है। और ये भी हमारी एक अलग टेबल है यहाँ पर, ठीक है। जितने अलग अलग बॉक्सेस बन जाते हैं, एक अलग टेबल हो जाता है। जैसे ये है, ये सब एक दूसरे से जॉइंट है, तो अलग टेबल नहीं है, बट जो हिस्सा जॉइंट नहीं है वो एक अलग टेबल में आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट टेबल, तो ये पूरी टेबल देखो मेरी सेलेक्ट हो गई। और मैं यहाँ टेबल रखूँगा, मतलब जिस टेबल के अंदर आप लोग कर्सर रखोगे उसके अंदर सेलेक्ट होगा, ठीक है, और उसके अंदर जो भी होगा। फिलहाल मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने आगे के ऑप्शन की। तो सेलेक्ट वाला समझ गया आप लोग, मैन्युअली कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी चाहो, ठीक है। और अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। आप बोलोगे इसका तो यूज़ ही नहीं हो रहा, तो यूज़ कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने ग्रिड लाइन ऑन कर रखा है, पहले से ऑन रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं डिज़ाइन में। अब क्या करते हैं, हम इतने का जो है ना
वो बॉर्डर ही हटा देते हैं, नो बॉर्डर कर देते लोग। अभी आपको एक डॉट डॉट दिख रहा है, अब देखो जादू क्या होगा। व्यू ग्रिड लाइन हटा दोगे ना तो बॉर्डर दिखेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर टेबल है आपकी बट उसकी ग्रिड लाइन्स नहीं दिखेंगी। ग्रिड लाइन यानी वो जो डॉट डॉट होता है ना, वो आपकी ग्रिड लाइन होती है, कुछ मैप उसके जैसा बन जाते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ के पेज में आपने देखा होगा तो वो हमारी ग्रिड लाइन होता है। ग्रिड लाइन आपने व्यू में भी देखा होगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये तो ये हमारी ग्रिड लाइन होती है। तो ग्रिड लाइन के बेसिकली टेबल में क्या यूज़ है, इससे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे टेबल है बट उसकी जो लाइन है वो खींची हुई नहीं है, मतलब वो लाइन विजिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे टेबल है, तो ग्रिड लाइन इसलिए हमेशा ऑन ही रहती है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। देखो ऑल बॉर्डर हो गया। गाइस बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, इन टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता चलेगी, कॉलम का क्या साइज़ है, ठीक है, रॉ का क्या साइज़ है, सेल का क्या साइज़ है, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। टेबल का क्या है सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप लोग यहाँ पर और हाइट विड्थ कुछ चेंजेस आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम का साइज़ आपको बड़ा करना है, ठीक है, मान लो मुझे इस लाइन की सभी कॉलम्स का जो साइज़ है बड़ा करना है तो मैं कॉलम में जाऊँगा और मान लो मुझे एक इंची का करना है, ये लोग क्लिक करूँगा और ये एक इंची का हो जाएगा साइज़। देखो इसका और इसका, इसका 0.74 होगा साइज से और ये आपका एक इंची का हो गया। तो यहाँ से आप लोग ये साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और किसी सेल का करना है तो यहाँ से वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, टॉप बॉटम जो भी करना है, जैसे बॉटम करना है आपको तो ऐसे करोगे, ठीक है, हो जाएगा आपका। मतलब प्रॉपर्टीज़ में देखो, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस सेल का या किस रॉ का या किस कॉलम का क्या साइज़ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्पेसिफाई हाइट कर सकते हो आप लोग, किसी रॉ की कितनी हाइट रखनी है, बट इसे आप नॉर्मल रख सकते हो या आपको छोटा या बड़ा करना है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कर सकते हो। देखो रॉ का, ठीक है, किसी भी रॉ का करना आपको, उसमें जस्ट कर्सर रखना है, कर सकते हो आप लोग इस तरीके, छोटा या बड़ा, बाकी आप लोग, ठीक है। और कुछ चेंजेस करना है, लेफ़्ट राइट करना है, यहाँ पर लेफ्ट राइट का भी है, जैसे आपको लेफ़्ट में ले जाना है तो आप लोग इस तरीके लेफ्ट में ले जा सकते हो इसे। राइट में आपको अपने टेबल को शिफ्ट करना है, राइट में कर दो, सेंटर में करना है सेंटर में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। अब देखो मैं इसे क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है, पूरी टेबल को, और एक नई टेबल दोबारा से इंसर्ट करता हूँ। मान लो मैंने इसे कर लिया, अब देखो हम बढ़ते हैं आगे, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना। अब मुझे यहाँ पर कोई मान लो इंसर्ट करनी है, ठीक है, मान लो मुझे कोई सेल या कुछ इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ जाके इंसर्ट कर सकते हो। देखो जितनी आपको करनी है करते जाओ, नीचे करनी है तो नीचे करो, ऊपर करनी है ऊपर करो, सॉरी लेफ़्ट करनी है लेफ़्ट करो, राइट करनी है, तो जितनी टेबल आपको यहाँ इंसर्ट करनी है वो सारे काम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। गाइस अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारे डिलीट का। जैसे हम डिलीट पे जाते हैं, जैसे हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है या कोई रो डिलीट करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो इस तरीके से, जहाँ कर्सर है उसकी रो हो जाएगी। जैसे कोई सेल डिलीट करना है, ठीक है, ऊपर का नीचे का या एंटायर कॉलम करना है, यहाँ से आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और आपको जैसे थोड़ा और डिलीट करना है तो आपको जस्ट करना कुछ नहीं, सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो हटाना है आपको इसे और आपको बस इतना डिलीट करना है, तो आप लोग जस्ट बैक स्पेस करोगे और आपको उतना डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जैसे पूरा आपको डिलीट करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस लेआउट में जाना है, डिलीट पे क्लिक करना है, देख कोई बस कॉलम करनी है, ठीक है, जहाँ कर्सर रखा है, या रॉ करना है, या कोई बस एक सेल करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, या सभी को डिलीट करना है सबको भी आप लोग इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आराम से आपको जो भी जैसे करना होगा आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इंसर्ट करना है, राइट में इंसर्ट करना है, लेफ्ट में, देखो जहाँ आपको इंसर्ट करना है वहाँ आपका इंसर्ट हो जाएगा। गाइस अगला ऑप्शन हुआ है गाइस हमारा मर्ज सेल का, स्प्लिट सेल का और स्प्लिट टेबल का। मतलब एक्चुअली में ये जो ऑप्शन है वो हमारा गाइस पूरा है वो इसके ऊपर बेस्ड है, मतलब मर्ज से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लेआउट में चलते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले मर्ज सेल है, ठीक है, आपको कोई सेल मर्ज करनी है तो आपको जो सेलेक्ट करना है, मर्ज पे क्लिक करना है, अब वो सेल आपकी मर्ज हो जाएगी, मतलब सेल आपकी पूरी मर्ज हो जाएगी, मतलब एक सेल अब ये जो पूरा है ना, अब आपका एक सेल बन चुका है पूरा, ठीक है। इससे आपके जैसे आपको इतनी सेल्स आपको मर्ज करनी है मान लो, ठीक है, मर्ज सेल पे क्लिक करोगे अब आपका ये इतना एक अलग ही सेल बन गया, ये तो छोटे छोटे हैं ही अलग, और ये आपका एक अलग सेल बन गया है। स्प्लिट करना है इसी में, ठीक है, तो आप लोग स्प्लिट पे क्लिक करोगे, जितने में आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, जितने में आप लोग यहाँ ओके करोगे उतने पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, जितने भी जितने रॉ जितने कॉलम में आपको स्प्लिट करना है आप लोग यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से बस आपको करके देखना है, स्प्लिट टेबल करना है, टेबल ही स्प्लिट हो गई भाई लोग, जहाँ कर्सर रखोगे वहाँ से आपकी जो टेबल है वो टेबल ही स्प्लिट हो जाएगी, वो मतलब एक अलग टेबल बन जाएगी। तो मैंने यहाँ टेबल यहाँ रखा कॉलम मतलब कर्सर, लेआउट में गया, स्प्लिट टेबल करा, अब ये देखो तीन तीन टेबल हो गए एक ही से निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो।
और मैं इन्हें क्या करता हूँ, हटाता हूँ और एक नई टेबल लेके दोबारा से आपको आगे की चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, इस बढ़ते अपने अगले ऑप्शन की तरफ जो कि हमारा गाइस सेल में, ठीक है, जिससे हमारी जो सेल की साइज़ है वो आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हो क्या रखना है। सबसे पहला ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट के अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो है ना आपका जो टेबल ये ऑटो फिट होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग वाला, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कंटेंट के अकॉर्डिंग करो कुछ नहीं है तो मिनिमम साइज में पहुंच जाएगा, और जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। मैं इसे एक बार फिर से आपको यहाँ पर जैसे कुछ मैंने टाइप कर दिया, और देखो अब मैं इसे जब ऑटो फिट करूँगा ना तो ये देखो जितनी टेबल मतलब जितने भी सेल्स हैं जैसे फिट हो सकते हैं वैसे हो जाएंगे। जैसे यहाँ इसे ज़्यादा जरूरत थी तो यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम थी तो कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ऐसी आपका ऑटो फिट विंडो और ऐसी आपका फिक्स कॉलम विड्थ, ठीक है। फिक्स कॉलम में आपका ये फिक्स कॉलम विड्थ हो जाएगा, मतलब आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, और विंडो में क्या होगा, विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम साइज़ का जितना हो सकता है, ठीक है, विंडो के अकॉर्डिंग, यानी आपके डिस्प्ले के साइज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप लोग एक एक इसे ट्राई करना। और अगला है वो है गाइस हमारा हाइट और विड्थ का। मान लो मुझे इसकी हाइट छोटी या बड़ी करनी है, मुझे इसकी हाइट बड़ी करनी है मान लो, तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा तो इस पूरे लाइन की जो हाइट है वो बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये देखो विड्थ चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो जाएगी, कि जहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा उसके अकॉर्डिंग छोटी बड़ी करना है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग ऐसे कर सकते गाइस। और आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूट रॉ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसका यूज़ इसमें आप लोग रॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो रॉ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब अलग अलग पार्ट्स में। जैसे मान लो मुझे कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस पर क्लिक करके मैं करूँगा, कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसमें जो क्या होता है, साइजेज जो है ना आपके बराबर हो जाते हैं, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, या जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली वो सेल साइज़ के लिए कि आपको अपनी सेल्स की कितनी साइज़ रखनी है वो आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारा ये, ठीक है, इसमें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या आता है, लिखने में काम आता है, ठीक है। कुछ आपका लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है जैसे, ठीक है, तो अभी ये है नॉर्मल में, ठीक है, यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में ही है, ठीक है। देखो अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे ही है। अब मैं इसे करूँगा तो ये नीचे टॉप कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, बॉटम कॉर्नर में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको यही बीच में करना है तो ऐसे बीच में कर सकते हो, ठीक है, जहाँ आपको करना है वो आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे यहाँ तक कर दिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, अब जैसे हमारे यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसे थोड़ा छोटा करता हूँ। अब मुझे मान लो इसे यहाँ करना है, ठीक है, मतलब बीच में करना है, राइट हैंड साइड में बीच में करना है मुझे, तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको जहाँ करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। गाइस लेआउट हमारा अलाइनमेंट के अंदर ये अगला ऑप्शन है वो है सेल डायरेक्शन का। इससे आप लोग सेल की डायरेक्शन, मतलब सेल में जो लिखा है उसके टेक्स्ट की डायरेक्शन, मतलब आप जस्टिफाई कर सकते हो जैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, मैं चाहता हूँ ये इधर आ जाए, इधर आ जाए, मतलब जितने रोटेट करना है जहाँ पे भी, आप लोग यहाँ से वो काम कर सकते हो रोटेट करने वाला, ठीक है। तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसे आप लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हो, जितना भी आपको रोटेट करना है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, जितना करना है आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है वह गाइस हमारा सेल मार्जिन, किस पे क्लिक करोगे सेल को कितना छोटा कितना बड़ा रखना है वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा जितना भी करना है आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे ये वाला है मान लो, ठीक है, इसे अब मुझे इसका राइट से मुझे इसे करना है 23 इंची या 26 इंची कर दिया मैंने, ठीक है, और लेफ्ट से मुझे इसे करना है 1 इंची, तो ये देखो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ना इनके जो साइज़ है सेल के वो आप लोग यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। सो गाइज ओवरऑल हमने सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया, डिज़ाइन के सभी ऑप्शन, लेआउट के सभी ऑप्शन, बचा बस डाटा। डाटा के ऊपर गाइज एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो है इसका ऑप्शन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आप सम काउंट एवरेज ये सब चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हो, और ये काम एक्सेल में भी होता है, बट आप लोग एमएस वर्ड के अंदर भी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप लोग इस फॉर्मूला की मदद से आराम से कर सकते हो। तो यार इसकी जो वीडियो होगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी उसमें डाटा के ऊपर सब कुछ रहेगा। कुछ डाउट आते तो कमेंट करना, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। सो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो डल चुकी है, जैसे व्यू, रिव्यू, मेलिंग, रेफरेंस, सब कुछ। सो गाइस जाके कमेंट करो, अगर कुछ रह गया, कुछ डाउट है तो भी कमेंट करना, और नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।